नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया, आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की। हाथरस में वांछित चल रहे शराब माफिया ने कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया। वांछित शराब माफिया पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। वहीं अब अपराध से तौबा करते हुए आरोपी शराब माफिया ने कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण कर दिया है। आपको बता दें कि महीने पहले एक शराब फैक्ट्री को पुलिस ने छापा मारकर सीज कर दिया था, जिसके बाद से ही अवैध शराब फैक्ट्री का कर्ता धरता आरोपी शराब माफिया फरार चल रहा था। वहीं अब आत्मसमर्पण करने के बाद पुलिस ने शराब माफिया को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यानी कहा जा सकता है कि पुलिस का खौफ जो है वो माफियाओं में अब साफ तौर पर नजर आ रहा है। हाथरस का एक पूरा मामला है जहां पर खुद शराब माफिया आत्मसमर्पण करने के लिए पहुंचा है। 25,000 का उस पर इनाम था। लगातार पुलिस उसकी छानबीन में जुटी हुई थी। पुलिस द्वारा 25,000 रुपए के पुरस्कार घोषित वांछित शराब माफिया सोनू यादव पुत्र जगदीश निवासी ग्राम राजपुर थाना सिकंदरा राव हाथरस को गिरफ्तार किया गया है। करीब 3 माह पूर्व थाना सिकंदरा राव पुलिस द्वारा एक अवैध शराब फैक्ट्री बरामद की गई थी, जिसका यह मुख्य सरगना है और तभी से फरार चल रहा था। इसकी गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। आज इसके द्वारा अपराध से तौबा करते हुए थाना सिकंदरा राव में समर्पण किया गया है, जिसे गिरफ्तार कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर जेल भेजा जाए। आगरा में मणपुरम गोल्ड डकैती केस में फरार चल रहे 40,000 के इनामी अभियुक्त अविनाश मिश्रा उर्फ रेणु पंडित पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। दरअसल आरोपी की एसओजी टीम कमलानगर और एसएचओ टीम सिकंदरा के साथ सिकंदरा के खड़वाई नहर पर मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी को गोली लगने से वो घायल हो गया, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से लूटा हुआ 2 किलो सोना और 42,000 रुपए नकदी बरामद कर ली गई है। इसके साथ ही आरोपी के पास से अवैध असलाह, खोखा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। तो पूरा मामला आगरा का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ दिनों पहले ही मणपुरम गोल्ड डकैती केस में फरार चल रहे 40,000 के नामी अभियुक्त अविनाश मिश्रा को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया गया है। वो घायल हो गया था। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ये चोरी हुई थी, जिसमें आरोपी को गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि आरोपी के पास से लूटा हुआ 2 किलो सोना और 42,000 रुपए नकदी बरामद कर ली है। इसके साथ ही आरोपी के पास से अवैध असलाह, खोखा और एक मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई है। अमरोहा में किसान को धक्का देकर दफ्तर से बाहर निकालने के मामले में सीओ चकबंदी रह रहा और उनका स्टाफ फंसता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल मामले के संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी बालकृष्ण त्रिपाठी ने एसओजी को जांच के निर्देश दिए। साथ ही जिलाधिकारी ने जांच के बाद कार्रवाई की बात भी कही है। आपको बता दें कि अमरोहा के गांव रहरा निवासी हेमराज त्यागी ने अफसरों को दिए शिकायती पत्र में कहा है कि क्षेत्र में चकबंदी चल रही है। सीओ चकबंदी रहरा ने जमीन के चक बना दिए हैं, जहां सीओ चकबंदी चकों पर आ रही आपत्ति का निस्तारण कर रहे हैं, जिसके मामलों में शिकायत करने पीड़ित हेमराज त्यागी 8 जुलाई 2021 को अमरोहा कलेक्टर से चकबंदी कार्यालय में पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ अभद्रता की गई, जिसकी शिकायत उन्होंने आला अधिकारियों के साथ की है और डीएम बीके त्रिपाठी से भी की, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम बीके त्रिपाठी ने एसओजी को मामले की जांच और जांच के बाद कार्रवाई के आदेश दे दिए हैं। तो अमरोह का ही पूरा मामला है। हमारे यहां चकबंदी की चल रही है, उसमें सीओ चकबंदी शिकायतों को निस्तारण कर रहे हैं। मैं उनके पास गया था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप 50,000 रुपये दे दो, तुम्हारा चक ठीक कर दिया जाएगा। मैं उनको 50,000 रुपये दिया। इसके कुछ समय बाद उन्होंने मुझसे फिर 10 लाख रुपये की मांग की। मैंने सीओ साहब से कहा कि आप ये पैसा मेरा पहला वाला वापस कर दें, मैं इस लायक नहीं हूँ जो आपको 10 लाख रुपये दे दूँ। इस पर सीओ चकबंदी पेशगार एसीओ देशराज सिंह तथा अन्य लेखपाल ने मुझे धक्का दे करके बाहर निकाल दिया। मैं गिर गया और कहा कि यहाँ से चला जा तो अल्लाह मिलेगा। इसकी शिकायत मैंने मुख्यमंत्री और चकबंदी आयुक्त लखनऊ तथा एसओसी से की और मैंने एफआईआर भी दर्ज करवाई, लेकिन मेरी आज तक सुनवाई नहीं। आपके माध्यम से इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि किसान हेमराज त्यागी द्वारा एसीओ के विरुद्ध शिकायत की गई है,
इसकी जांच कराई जाएगी और जांच कराने के उपरांत जैसी भी स्थिति होगी यदि मामला सही पाया जाएगा कठोर कार्रवाई की जाएगी। बाराबंकी में अंतिम संस्कार को लेकर दो पक्षों में मारपिटाई हो गई। इस मारपिटाई में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार चले हैं, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी भेजकर अपनी निगरानी में शव का अंतिम संस्कार कराया है। पूरा मामला बाराबंकी के सथरी के बहादुरपुर गाँव का, जहाँ के निवासी राम उजागर यादव कुछ दिनों से नगर कोतवाली के सरथरा गाँव में घर बनाकर रहने लगे थे, जहाँ रविवार को उनकी दादी सुमित्रा देवी का निधन हो गया, जिसके बाद शव का अंतिम संस्कार ने वो लोग बहादुरपुर गांव आ गए, जहां पर परिवार के ही लोगों ने इसका विरोध कर दिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी के बाद मारपिटाई होने लगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे और धारदार हथियार भी चले हैं। वहीं मारपिटाई का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। मारपिटाई में दो लोग अनूप कुमार और विशाल गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस का कहना है कि 10 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोपियों को जल्द पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो दो पक्षों में मामूली कहासुनी के बाद मारपिटाई होने लगी है। ये पूरा मामला सामने आया है बाराबंकी से, जहां पर अंतिम संस्कार को लेकर दो पक्षों में मारपिटाई हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। इस मारपिटाई में दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं, धारदार हथियार भी चले हैं, जिसमें दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। दरअसल अंतिम संस्कार कराने को लेकर यह पूरा मामला निकलकर सामने आया। परिवार के लोगों में ही आपसी विवाद देखने को मिला है, जिसके बाद मारपिटाई हो गई है। फिलहाल 10 लोगों पर मुकदमा दर्ज है और पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो बाराबंकी का एक पूरा मामला जहां पर दो पक्षों में मारपिटाई हुई है, जिसका वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हमारी दादी जी खत्म हो गई थी और हम अपने खेत में अपनी दादी को जलाने के लिए ले जा रहे थे। हमारे परिवार के ही हमारे चाचा और हमारे दादा के लड़के मिलकर अचानक हमला कर दिया। पहले से हमारे घर के पास में कुछ जगह उनकी है, उसका कोर्ट केस चल रहा है, उसी का विवाद था। वहाँ कर जमीन पर जो हम मिट्टी जलाने ले जा रहे थे जलाने लाश को, वहाँ पर कोई विवाद नहीं है, वो हमारी ही जमीन है, हमारे ही नाम है, हम उसी में ले जा रहे थे। बरेली के आंवला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सांसद धर्मेंद्र कश्यप उत्तराखंड के जागेश्वर धाम मंदिर समिति के प्रबंधक से गाली गलौज करते हुए नजर आ रहे थे। अब इसी मामले में सांसद उनके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो बरेली के आंवला से बीजेपी सांसद धर्मेंद्र कश्यप पर उत्तराखंड में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि कुछ समय पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें सांसद धर्मेंद्र कश्यप उत्तराखंड के जागेश्वर धाम मंदिर समिति के प्रबंधक से गाली गलौज मारपिटाई करते हुए नजर आ रहे थे। अब इसी मामले में सांसद उनके दोस्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेवा धाम में जलाभिषेक करने गए एक श्रद्धालु की अभरण तालाब में डूबने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मृतक के परिजनों को घटना की सूचना दे दी है। मृतक युवक फतेहपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला था, जो अभरण तालाब में जलाभिषेक करने आया था, जहां जलाभिषेक के बाद स्नान करते समय वो गहरे पानी में चला गया, जहां डूबने से उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना जैसे घर वालों को मिली तो घर में कोहराम मच गया। आनंद फानन में मृतक का भाई मौके पर पहुंच गया, जहां पुलिस ने प्रारंभिक जांच पड़ताल कर युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो तालाब में डूबने से युवक की मौत हो गई है। बता दें कि बाराबंकी में लोधेश्वर महादेवा धाम में जलाभिषेक करने गया था श्रद्धालु। ढाई बजे हमको सूचना मिली कि जो है तुम्हारा भाई जो है नहीं मिल रहा, तो हम लोग आए जब यहाँ पर आए तो यहाँ जो है बताने लगे कि जो है यहाँ पर एक लड़का जो है डूब रहा था, तो पुलिस वाले जो है डंडा चलाए, ये जो है उसे भगदड़ में निकल नहीं पाए, लड़का जो है नहीं दिखाई पड़े, तो भैया जो है ढूंढ रहे हैं मगर मिल नहीं रहे। तब हम लोग आए तो कहने लगे यहाँ की कोई रहने वाले हो, हम बनियानी के रहने वाले हैं, फतेहपुर पड़ता है थाना फतेहपुर। बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के सतीपुर चौराहे पर जुआ खेलने के विवाद में दबंगों ने रेलवे कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही फॉरेंसिक टीम के साथ पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और घटना स्थल पर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आपको बता दें कि धर्मेंद्र रेलवे में
गैंगमैन के पद पर कार्यरत था। वो नई बस्ती में जुआ खेल रहे लोगों के साथ बैठ गया था, जहां उसकी किसी बात को लेकर आपस में कहासुनी हो गई। इस दौरान एक युवक ने धर्मेंद्र के सिर में गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हत्या के बाद हमलावर मौके से फरार हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। छानबीन की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की छानबीन शुरू कर दी है। तो बरेली का ये पूरा मामला है, जहां पर जुआ खेलने के विवाद में रेलवे कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। फिलहाल फॉरेंसिक टीम पहुंची हुई है। पुलिस भी इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। थाना बारादारी के अंतर्गत में किली मिट्टी मोहल्ला है, जो कि चौकी जगतपुर के अंतर्गत में आती है। यहाँ पे दो पक्षों में कुछ पैसे को लेन देन को लेकर कुछ विवाद हो गया, आपस में हॉटअप हो गए, जिसमें एक पक्ष के द्वारा गोली चलाई गई, जिसमें दूसरे पक्ष को गोली लगी है। जिनको गोली लगी उनका नाम धर्मेंद्र पता लगा है। इनको उपचार के लिए जिला अस्पताल में भेज दिया गया है। किसने गोली चलाई है और उसके पीछे रीजन क्या है, इसके लिए हमने टीमें लगा दी है। जल्द ही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर अगली विधि कार्रवाई में सूचित कराई जाएगी। हापुड़ में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन किया है। किसानों ने सिंचाई विभाग के एक्सन पर लापरवाही का आरोप लगाया। किसानों का कहना है कि वो पहले भी जीएम और सीडीओ से एक्सन की शिकायत कर चुके हैं, पर अभी तक उसकी समस्या का कोई हल नहीं निकल पाया है। वहीं किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर हमारी समस्या का कोई हल नहीं निकला तो हम सड़क को जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। तो किसानों का ये चेतावनी लगातार सामने आ रही है। हापुड़ में अपनी मांगों को लेकर किसानों ने सिंचाई विभाग के कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया है और धरने पर बैठ गए हैं। किसानों का कहना है कि सिंचाई विभाग के एक्शन पर लापरवाही हो रही है। किसानों का ये भी कहना है कि वो पहले भी डीएम और सीडीओ से एक्शन की शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है, ना ही उनकी समस्या का कोई समाधान निकल पा रहा है। वही किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्या का कोई हल नहीं निकलता तो वो सड़क को जाम कर देंगे और उसके बाद प्रदर्शन जो है वो बड़े स्तर पर किया जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ पत्रकार बंधुओं, हमारा जो सिंचाई विभाग एक्शन है 2011 के शासन आदेश हैं। सिंचाई विभाग एक्शन को मैं डिवीजन के काम करने के सरकार के आदेश के बावजूद भी हमारी माननीय जिलाधिकारी जो पूर्व जिलाधिकारी थी आदित्य सिंह, उन्होंने भी आदेश किए थे आप यहाँ एक्शन जो सिंचाई विभाग श्री शेर सिंह नाम है उनका, उनको कहा था आप यहाँ मैं डिवीजन के काम करें, किसानों की समस्याएं सुने। हमारे कमिश्नर साहब के भी आदेश हैं हमारे पास में। कई बार उन्होंने हमारे यहाँ मीटिंग हुई थी, हमें लिखित में भी दिया शेर सिंह ने, अब मैं यहाँ बैठ कर काम करूँगा। लेकिन हठधर्मता है एक्शन की, जो किसानों की मांग नहीं मान रहे, शासन की मांग नहीं मान रहे। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जो उत्तर प्रदेश सरकार से शेर सिंह जो एक्शन है, हापुड़ के नोडल अधिकारी हैं, हापुड़ के नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। वो इस वजह से नियुक्त किए हैं कि आप यहाँ पे बैठ कर मेडिविजन सहित किसानों की समस्या सुने और जो भी किसानों की सिंचाई से संबंधित समस्या है उनके बैठ कर निस्तारण करें। मथुरा नगर निगम क्षेत्र में लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, जहां बारिश पड़ते ही नगर निगम की पोल खुलती नजर आ रही है। मामला मथुरा के नगर निगम क्षेत्र वार्ड नंबर 12 का है, जहां देवीपुरा गांव क्षेत्र विकास नगर कॉलोनी में लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। आलम यह है कि बारिश के चलते यहाँ गंदगी का अंबार लगा हुआ है और जल भराव की स्थिति भी बन गई है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, जल भराव और गंदगी की वजह से यहाँ के लोगों को बीमारियों से भी जूझना पड़ रहा है, जिसे लेकर यहाँ के क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के खिलाफ अपने क्षेत्र में जमकर नारेबाजी की और नगर निगम मुर्दाबाद और क्षेत्र के पार्षद के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। क्षेत्र के लोगों ने पार्षद पर आरोप लगाया है कि जब से यहां का पार्षद बना है तब से अभी तक इस क्षेत्र के सुध लेने के लिए कभी नहीं आया, जिसकी वजह से बरसात में यहां जलभराव की स्थिति हो जाती है, जिसकी वजह से ये लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। तो मथुरा का ये पूरा मामला है, जहां पर बरसात के मौसम में लोग नरकीय जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। बरसात में नदी नाले जो हैं उफान पर आ जाते हैं, ऐसे में गंदगी का अंबार भी लग जाता है। आप देख रहे हैं मैंने जो देखा है, क्योंकि मैं किसान गरीब मजदूर का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, उसके नाते से हमारे गुड्डी चौधरी जी दो दिन से फ़ोन कर रहे हैं मुझे। इन्होंने कहा गोस्वामी जी हमारे यहाँ भगवती नगर के नाम की कॉलोनी है जो वार्ड नंबर 12 में आती है, जब ये नगर निगम हो चुका है तो नगर निगम को टैक्स चाहिए, बिजली वालों को पैसा चाहिए, लेकिन रोड नहीं बनाएंगे आप, महामारी बीमारी फैल जाए, इतना गंदा सड़ा हुआ पानी है। अभी वहीं से हम लोग आए हैं, क्या नगर निगम को देखना नहीं चाहिए क्या? कुंभकर्ण की नींद में नगर निगम सो रहा है,
यहाँ के मंत्री जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं चेतावनी देना चाहता हूँ। अरे श्रीकांत जी, पहले आप यहाँ के मथुरा के विधायक हैं, उसके बाद मंत्री हुए, पड़ोस में रहने के बाद क्या आपको बिजली इनको सुचारू रूप से नहीं देनी चाहिए? लेकिन उन्हें क्या मतलब है इन चीज़ों से, वो तो मंत्री बन गए हैं और आते हैं हवाई की तरह चले जाते हैं। ऐसे ही नगर निगम एकदम मूक दर्शक बना हुआ है। यहाँ का पार्षद को यहाँ पर आना चाहिए, चाहे वोट दे या न दे, इससे कोई मतलब नहीं है। अब तू जनप्रतिनिधि है तो मैं यहाँ के मेयर से भी, मैं यहाँ के आयुक्त से भी ये मांग करना चाहता हूँ कि इस रोड को, जिसमें हजारों घर बसे हुए हैं भगवती नगर वार्ड नंबर 12 में जो देवीपुरा क्षेत्र में आता है, इसको बनवाया जाए, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। यहाँ का पार्षद रामजीत है, जब से जीता है आज तक उसने कॉलोनी नहीं देखी है। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़ी बड़ी माएँ इस पानी में होके गुजरती हैं। आज तक कोई रोड का कोई निर्माण नहीं, कोई देखने ही नहीं आता। आगे खूब हमने लेटर पैड पे लिख के दे दिया, लेकिन कोई देखने वाला और सुनने वाला नहीं है। और बिजली की तो बहुत ही अधिक समस्या है। मुख्यमंत्री जी को भी हमने लेटर दे दिया, यहाँ श्रीकांत मंत्री जी भी रहते हैं उनके पास भी हम गए, लेकिन कोई सुनवाई हमारी कहीं भी नहीं हो रही है। और सबसे बड़े समस्या नगर निगम क्या कहता है, नगर निगम में कहता है कि हमारे पास कुछ नहीं है। नगर निगम को बोला है कि ये रोड इधर को निकलवा दिया है, रोड इधर पास था। ये कुछ ऐसे तथ्य आए जिसने 20,000 रुपये लेके रोड इधर निकलवा दिया, इधर की बजाय ये रोड इधर पास था। कुछ तत्वों ने पैसा खाया और ये रोड इधर निकलवा दिया, इधर की बजाय। ये पूरा कम से कम 2,000 की बस्ती है, ये पूरा नरक में होकर नहीं निकल रही है, सब परेशान है। पीलीभीत में प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव जनपद में 17 से 18 अगस्त तक 2 दिवसीय दौरा करेंगे। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव प्रसपा के 127 शहर विधानसभा प्रत्याशी के समर्थन में अमरिया के जश्न बैंक्वेट हॉल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसके बाद वो बड़ापुरा गुरुद्वारे में दर्शन करेंगे, जहाँ से शिवपाल यादव शहर में शाहजी मियाँ की मजार पर चादर पोशी करने जाएंगे। इसके अलावा शहर के सुप्रसिद्ध गौरीशंकर मंदिर पहुंचकर शिवजी के दर्शन भी करेंगे। यहाँ से शिवजी का आशीर्वाद लेने के बाद शिवपाल सिंह यादव आवास विकास कॉलोनी स्थित पार्टी कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। पार्टी कार्यालय में ही शिवपाल यादव एक प्रेस वार्ता भी कर सकते हैं। ये जानकारी प्रसपा के जिलाध्यक्ष नासिर कमल की अध्यक्षता में 127 शहर विधानसभा प्रत्याशी शोएब खान ने प्रेस वार्ता कर मीडिया को दी है। तो विधानसभा चुनाव को लेकर प्रसपा पूरी तरह से तैयार है, जिसको लेकर शिवपाल यादव का 2 दिवसीय दौरा होने जा रहा है। पहले तो आप सबका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया। आज आपको बुलाने का मकसद यही है, हिंदुस्तान के सबसे बड़े सेक्युलर नेता, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी का बहुत जल्दी पीलीभीत की सत्र में जाना। आने वाली 17 तारीख को देर शाम से आदरणीय अध्यक्ष जी पीलीभीत पहुँचेंगे और 18 तारीख को यहाँ से वो एक COVID-19 जागरूकता अभियान के तहत एक रैली लेकर, जिसका नाम परिवर्तन रैली भी रखा गया है, अमरिया जाएंगे। अमरिया के स्टेशन रिजॉर्ट में उसको संबोधन करेंगे और उसके बाद बड़ा गुरुद्वारा जाएंगे और शाहजी मियाँ के मज़ार पे भी जाएंगे, चादर पोशी के लिए गौरीशंकर मंदिर जाएंगे। और इसके लिए पीलीभीत की जनता का पहले तो बहुत बड़ी खुशनसीबी है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उत्तर प्रदेश में 2022 का इतना बड़ा ऐतिहासिक चुनाव होने जा रहा है और पीलीभीत से तो शुरुआत करने जा रहा है, जिसके लिए मैं उनका बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हम पूरी ताकत से, जोर शोर से इस कार्यक्रम में लगेंगे और उनका एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया। पार्टी किस चीज़ को लेकर तैयारियों में जुटी हुई, किस तरीके की तैयारियाँ कर रही है? 2022 का चुनाव हिंदुस्तान की जनता के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिए बहुत अहमियत वाला चुनाव है। पिछले 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने बुरा हाल कर दिया है। लोग आज तक परेशान होते थे कि सरकारें बनती थी, झूठे मुकदमे लिखे जाया करते थे, लोग जेल जाते थे, लेकिन आज इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों को रोटी से मता चला दिया है। और जब इंसान के पेट पर लात पड़ती है तो इंसान फिर हिंदू और मुसलमान नहीं देखता है। इन लोगों की पॉलिसी जनता समझ चुकी है और आने वाले 2022 में जनता इन्हें जवाब देगी। मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूँगा, पीलीभीत का चुनाव ऐतिहासिक होने जा रहा है और बहुत तेज़ी से लोग हम लोगों को प्यार मोहब्बत से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अध्यक्ष जी भी हमारे साथ मेहनत से लगे हैं। हमारा बहुत जल्दी संगठन का विस्तार करने जा रहा है, बूथ कमेटी और संगठन का। आने वाली 3 तारीख को हम आपको फिर सूचना करेंगे, बुलाएंगे। हम लगभग अपनी विधानसभा के 395 बूथ कमेटी घोषित कर देंगे
और जो बचा हमारा संगठन है फ्रंटल संगठन कमेटियाँ, नगर अध्यक्ष हमारा हमने आज घोषित करने जा रहे हैं रेहान अलवी, जो समाजवादी पार्टी छोड़कर उस दिन आए थे, उन्हें हम अपनी पार्टी का नगर का अध्यक्ष बना रहे हैं। तो इसलिए हम 2022 के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, बाकी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके तो चुनाव भी खत्म कर देंगे, एक तरफा माहौल हो जाए। कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र में महिला के साथ छेड़खानी करना एक मंचले को भारी पड़ गया। जहां छेड़खानी करने वाले मंचले को महिला और इलाके के लोगों ने बीच सड़क पर जमकर पीट दिया। वही मारपीट के दौरान एक गाड़ी सवार को भी लोगों ने मंचले का साथी समझ उसके भी पिटाई कर दी, जिसके बाद से ही मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वही मारपिटाई के बाद दोनों पक्ष बर्रा चौकी पहुंचे। बर्रा थाना क्षेत्र के जरौली फेस वन इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो कानपुर के बर्रा थाना क्षेत्र का एक पूरा मामला, जहां पर एक मंचले को महिला के साथ छेड़खानी करना भारी पड़ गया और यहां पर महिला ने और आसपास के लोगों ने मंचले को पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई कर दी, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। सुल्तानपुर पुलिस ने कई फिल्मों में सहायक अभिनेता के तौर पर अभिनय कर चुके अभिनेता विकास श्रीवास्तव को हिरासत में ले लिया है। बताया जा रहा है कि एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के दौरान विकास ने शराब पीकर हंगामा काटना शुरू कर दिया था, जिसके बाद पुलिस विकास श्रीवास्तव को हिरासत में लेकर थाने लाई। जहां थाने में भी विकास ने जमकर हंगामा काटा, वहीं पुलिस का मेडिकल करवाकर उसे कोर्ट में समक्ष पेश करने की तैयारी में जुट गई है। दरअसल सुल्तानपुर शहर में इन दिनों भोजपुरी फिल्म प्रथा की शूटिंग चल रही है। इस फिल्म में काम करने के लिए अभिनेता विकास श्रीवास्तव भी सुल्तानपुर आया हुआ है। जहां बीती रात शराब पीकर विकास ने हंगामा काटना शुरू कर दिया, जहां हंगामा बढ़ता देख कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दे दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस उसे नगर कोतवाली ले आई है और वहां पर उससे लगातार छानबीन भी की जा रही है। विकास जी एक फिल्म में काम करते हुए अभिनेता बताए जाते हैं और बीती रात ये थाने में काफ़ी ड्रिंक की हुई हालत में आए और इन्होंने आते ही थाने पर काफ़ी उत्पात मचाया और ये बोले कि मेरे भाई को बुलाओ, मैं उसको यहीं गोली मारूंगा। इनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, इनका मेडिकल कराया गया है जिसमें शराब पीना पाया गया है और आज इनका 151 में चालान किया जा रहा है। पीलीभीत के पूरनपुर से एक निर्मम मामला सामने आया, जहां दहेज के खातिर एक गर्भवती महिला की हत्या कर दी गई। बता दें कि पूरनपुर इलाके के मोहल्ला राजागंज निवासी सलीम खान ने अपनी पुत्री का निकाह नोटबंदी के दौरान लगभग 3.5 साल पहले हसनैन पुत्री नक्की खान निवासी मोहल्ला राजगंज के साथ किया था। मृतका के पिता ने मृतका के ससुराल वालों पर आरोप लगाया कि कम दान दहेज देने की वजह से उनकी बेटी के ससुराल पक्ष वाले लगातार उनकी बेटी के साथ मारपिटाई करते थे और तलाक देने की धमकी देते थे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि उनकी बेटी के ससुराल वालों ने उनकी बेटी के मायके आने जाने और मायके वालों से मिलने तक पर रोक लगा दी थी। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी बेटी को धमकी दी जाती थी कि अगर अपने मायके वालों से मिलेगी तो तलाक दे दिया जाएगा। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने मृतका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, आगे की जाँच पड़ताल में जुट गई है। बिजनौर में पहाड़ों और मैदानी इलाकों में इस साल बरसात ने लोगों और खासतौर से किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। गंगा और अन्य नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसकी वजह से नदियां तेजी से कटान कर रही हैं। तो वहीं दूसरी तरफ किसानों की लहराती फसलों में नदी का पानी भर गया है, जिसकी वजह से किसानों की सैकड़ों जो फसल है वो पूरी तरह से बर्बाद होती हुई नजर आ रही है। बारिश की वजह से गंगा किनारे खेती कर रहे किसानों के खेत में गंगा का पानी जो है वो तेजी के साथ बह रहा है, जिसकी वजह से कटान हो रहा है। सैकड़ों बीघा गन्ने और धान की फसल चौपट हो रही है। गंगा बैराज खाटखा पुल पानी के लिहाज से खतरे के निशान तक पहुंच गया है। वहीं नदियों के बढ़ते जलस्तर से ग्रामीणों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। गाँव से शहर जाने के लिए लोग जान जोखिम में डालने तक के लिए मजबूर नजर आ रहे हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र जमाली दीनपुर और दत्याना के बीच में हूँ। यो 2021 किसानों का बहुत ही बुरा साल आया, जो इससे पहले भी पहले एक हम केदारनाथ की बाढ़ से उभर ही थे कि आज से एक महीने पहले भी बाढ़ ने आकर पूरी फसल का तहस नहस कर दिया। 90 रुपए का डीजल, किसी ने अपना सामान जेवर रखा, किसी ने कुछ गिरवी रखा, उसके बाद फसल तैयार करी। आज स्थिति यो है कि जो पहले बचा कुचा थी फसल थी वो मुंजी की भी नष्ट हो गई है। तो हमारा तो यही सरकार से अनुरोध से डीएम महोदय से विधायिका से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि आज
इस किसान इस संसदीय स्थिति में है कि वह अपना कृषि संबंधित जितना भी कृषि कार्ड है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, गन्ना समिति है, जो हमने कर्ज किसान के लिए फसल के लिए लिया था, वो आज हमसे नहीं जा सकता। हमारा सब किसानों का इस बार पीड़ित क्षेत्र से यही अनुरोध है कि हमारा जितना भी कृषि संबंधित लोन है वो माफ कर दिया जाए। बाराबंकी के टिकैत नगर कस्बे में पत्रकार कल्याण समिति का दूसरा स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में टिकैत नगर कस्बे के चेयरमैन जगदीश प्रसाद गुप्ता मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और केक काटकर मौजूदा सभी पत्रकारों के साथ स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर पत्रकार कल्याण समिति के जिला अध्यक्ष आमिद अंसारी ने कहा कि पत्रकार कल्याण समिति का गठन पत्रकारों के शोषण को देखते हुए किया गया ताकि पत्रकारों की हर संभव मदद की जा सके। यह हमारा प्रदेश का द्वितीय स्थापना दिवस है। ठीक है, इस उपलक्ष्य में इस खुशी के मौके पर सभी साथियों को बुलाया गया, आमंत्रित किया गया है और हम चाहते हैं कि हमारे संगठन के साथ साथ हमारे साथी जितने भी पत्रकार संगठन के हैं और भी दूसरे जो भी संगठन के हैं, हम पत्रकार को मजबूत करने के ताकि उनके साथ अन्याय न होने पाए। कहीं कहीं ऐसा ऐसी घटना हो जाती है कि उनके साथ जो है दुर्व्यवहार होने लगता है, तमाम कठिनाइयों का जो है सामना करना पड़ता है, तो इसी स्थिति में हम संगठन साथ उनका मिलकर सहयोग करेंगे। जितेंद्र प्रताप सिंह और पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी ने बाढ़ क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहां की स्थितियों का जायजा लिया है। इस क्रम में उन्होंने सर्वप्रथम पहाड़पुर गांव पहुंचकर बाढ़ की स्थितियों का ब्यौरा लिया। उन्होंने सदर एसडीएम राजीव राज को निर्देश दिया है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संपूर्ण व्यवस्था करा लें, लोगों के आने जाने के लिए नौका की व्यवस्था हो, साथ ही जहां पर नौका उपलब्ध ना हो पाए वहां पर लोगों के आने जाने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का इस्तेमाल किया जाए जिससे लोगों को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो। इसके बाद वो चिचौरा गाँव के साथ पहुंचे जहां पर उन्होंने भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि एसडीएम सदर बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र के लोगों की समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, साथ ही ऐसे मार्ग जो संकरे हो गए हैं उनका चौड़ीकरण भी किया जा रहा है, साथ ही बाढ़ के उपरांत संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में उनको संक्रामक रोगों से मुक्त करने के लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं करा लें क्योंकि क्षेत्र में निरंतर पानी पड़ रहा है, इसलिए जरूरी है कि यहां पर पहले से संपूर्ण व्यवस्था कर ली जाए। जिलाधिकारी ने इसी क्रम में रायपुर क्षेत्र में स्थित गौशाला का भी निरीक्षण किया जहां पर पानी निरंतर बढ़ रहा है। यहां पर स्थित ग्राम पंचायत सचिव ने बताया कि यहां पर पानी ज्यादा बढ़ता है तो गौवंशों को शिफ्ट करके बगल की फैक्ट्री में आश्रित किया जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।